नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी में। मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई रूपचंद साहू आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक शानदार जानकारी। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शहर, अपने शहर इंदौर शहर में बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हो चुकी है, आ चुकी है और रोड पे चल रही है। बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो, भाई ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बजाज की वीडियो बनाने के लिए, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो की वीडियो बनाने के लिए मैं लखनऊ, कानपुर, आगरा बहुत दूर दूर तक गया हूं। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो हमारे शहर इंदौर में लॉन्च हो चुकी है, आ चुकी है। तो भाई, अब बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो का इंतजार हुआ खत्म मेरे भाई, अब हमारे शहर इंदौर शहर में भी बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ चुकी है। क्या बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हमारे इंदौर शहर में आ चुकी है। बहुत सारे लोग भाई मिठाई बांट रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि उनकी फेवरेट ऑटो, फेवरेट कंपनी की ऑटो बजाज, क्योंकि बजाज अपने इंडिया का थ्री व्हीलर किंग माना जाता है, थ्री व्हीलर का किंग, बादशाह, और उसी कंपनी की इलेक्ट्रिक ऑटो इंदौर शहर में आ चुकी है, इसका शोरूम खुल चुका है। तो भाई आज आपको मिलेगी इस वीडियो में पूरी जानकारी, बस आप वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी को समझें। भाई ये गाड़ी काफी शानदार है, बहुत सारे लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, डेली की लगभग वहां पे शोरूम में भीड़ जमा हो रही है, भीड़ जा रही है, लोग बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं और फिर इसके बाद में ये गाड़ी को खरीदते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आपको गाड़ी खरीदना है, तो बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करें। इसमें हाई क्वालिटी की मोटर लगाई गई है, चार्जर बहुत बढ़िया दिया गया है और इससे कि आपकी गाड़ी को एक बहुत ही शानदार पिकअप ताकत मिलने वाली है और आप डेली के लगभग 1000 से 1500 रुपए की पर डे कमाई करेंगे। मित्रों, अगर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या स्कूटर बाइक है, अगर उसका मोटर, कंट्रोलर, चार्जर या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, खराब होता है, तो आप उसे रिपेयरिंग कहाँ करेंगे? सबके मन में बहुत बड़ा यह सवाल होता है और टेंशन होती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, कंपनी का नाम है भान टेक्नोलॉजी, आप इस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, इनके नंबर पे इन्हें फोन कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे होगा। आपको सेकंड हैंड चार्जर मिलेगा, नया चार्जर मिलेगा और आपका चार्जर, मोटर, कंट्रोलर जो भी खराब है उसे रिपेयरिंग किया जाएगा। तो भाई देर मत करो और अभी तुरंत फोन मिलाओ और संपर्क करो, अपनी समस्या का समाधान पाओ। अगर आपको लेना है तो आप कहां से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या है इसकी कीमत वगैरह, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, तभी हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगी। मित्रों, मैं आपको दिखाता हूं, जो आप देख सकते हैं ये बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, शानदार फीचर है इसमें। हमारे इंदौर शहर में ये अलग ही कलर में लॉन्च हुई है, आसमानी कलर में है, एकदम जैसे आगरा में और कानपुर, लखनऊ में ये कैसा है कि व्हाइट और नीले कलर में है, लेकिन यहाँ पे सब सारा कलर एक ही रखा गया है और इस कलर में काफी शानदार लग रही है। और इंदौर शहर में यह गाड़ी आ चुकी है, आपको यह गाड़ी मिल जाएगी, आपको एड्रेस भी मिलेगा कि कहाँ पे ये इसका शोरूम है बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो का। तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी का लुक डिजाइन काफी शानदार है, बहुत बढ़िया लगती है भाई। सामने आपको दो प्यारे से हेडलाइट मिलेंगे, एक बड़ा सा ग्लास मिलेगा राउंड शेप में और इसमें एक सिंगल वाइपर मिल जाएगा, एक टायर बहुत बढ़िया मिल जाएगा मीडियम साइज का। इसके बाद इसका जो सीट है, ड्राइवर सीट है, बहुत बढ़िया है। ड्राइवर सीट के नीचे आपको इसकी बैटरी मिल जाएगी, डैशबोर्ड काफी शानदार मिलेगा, इसका जो हैंडल है वो भी काफी शानदार है, बहुत बढ़िया है। ड्राइवर सीट के पीछे की बात की जाए, जो पैसेंजर बैठने की सीट है वो भी बहुत बढ़िया है, लगभग आप 3 से 4 सवारी बैठा सकते हैं, लेकिन 3 सवारी ही आपको आरटीओ से मान्यता प्राप्त पासिंग मिल रही है, आप अपने रिक्शे के ऊपर आप अपने हिसाब से सवारी कम ज्यादा बैठा सकते हैं। इसमें जो बीच में जगह है, ज्यादा जगह नहीं बचती है, लेकिन आप बीच में सीट वगैरह नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी काफी हाइट है, आप कहीं भी इसे चला सकते हैं आराम से। एक इसमें खास बात है कि इसमें रीजनरेटिव सिस्टम दिया गया है, जब आप गाड़ी को चलाते हैं
तो गाड़ी चलते चलते चार्ज होती 15 से 20 किलोमीटर का आपको बैकअप अलग से मिल जाता है। और एक बार इसको आप घर में जब फुल चार्ज करते हैं तो आप इसको लगभग 160 किलोमीटर तक चला सकते हैं 3+1 की पासिंग में, और जो इसमें चलते चलते चार्ज होती है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो लगभग गाड़ी आपकी 178 किलोमीटर चलेगी, कंपनी ऐसा दावा करती है। 3 साल की आपको बैटरी की वारंटी मिलेगी, 1,20,000 किलोमीटर या 3 साल, जो भी पहले हो जाएगा उसमें आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। चार्जर मोटर कंट्रोलर की वारंटी आपको 1 साल की मिल रही है। गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो 3.5 लाख के ऊपर इसकी कीमत है। इंदौर शहर में बहुत सारे लोगों ने गाड़ी को ले लिया है और मॉडिफाई करवा रहे हैं, मैं देखा हूं, और बहुत ही जल्द आपको इंदौर शहर में कस्टमर का रिव्यू करते हुए वीडियो मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वेट करें अगली वीडियो का। तो भाई कीमत की बात हो गई, वारंटी की बात हो गई, इसकी जो टॉप स्पीड है 55+ चलती है, 60 तक भाग जाती है, 4.5 घंटे के आसपास में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। और इसका जो एक बार चार्ज करने का खर्चा आता है 50 से 60 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास में इसका खर्चा आता है फुल चार्ज करने का। भाई इसमें जो चार्जर है, चार्जर एकदम फिक्स है, चार्जर आप निकाल नहीं सकते हैं, और चार्जर फिक्स किया गया है जिससे कि ड्राइवरों को दिक्कत ना हो, चार्जर निकालने रखने और करने में दिक्कत नहीं है। आपको एक लीड मिलेगी, लीड ही आपको लेकर घूमना है, चलना है, जहां भी आपको चार्जिंग पॉइंट मिले वहां पे लीड को फंसा देना है और गाड़ी में फंसा देना, आपकी गाड़ी चार्ज होने लगेगी। तो ये भी कमाल का फीचर है। इसके बाद में इसकी जो टायर वगैरह है, रेडियल आपको टायर मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, काफी बढ़िया है। गाड़ी की हाइट वगैरह, पीछे जो इसका चार्जर मोटर कंट्रोलर दिया हुआ है वहां पे एक लॉक वाला सिस्टम है, वहां पे आप आपका कुछ सामान भी रख सकते हैं, आपकी स्टेपनी जैक टूल बॉक्स वहां पे सब रखा रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया सेफ्टी के साथ में, और वो लॉक हो जाता है। तो मित्रों हाल फिलहाल गाड़ी बहुत ही शानदार है और बहुत ज्यादा क्रेज में चल रही है, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको अगर 180 किलोमीटर चलाते हैं तो लगभग आप 1,000-1,200-1,500 रुपए की इनकम तो कर ही सकते हैं। गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़िया है, मोटर दमदार है, और बजाज अपने देश की ब्रांडेड कंपनी है तो भरोसा रहेगा ही आपको। तो बहुत सारे फीचर इसमें कमाल के हैं, गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, लुक इसका बहुत शानदार है, देखने में आपको एकदम बजाज की जो RE है CNG वाली उसी के टोटल इसका जो भी है इंटीरियर दिया गया है, और इसका नाम रखा गया है बजाज RE इलेक्ट्रिक। तो बहुत ही शानदार है बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो, और इसमें जो भी फीचर है काफी शानदार है। आप इसे शोरूम जा सकते हैं, इसका शोरूम है इंदौर शहर में देवास नाके पर, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो का शोरूम है, आप वहां पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और गाड़ी को खरीद सकते हैं, टेस्ट ड्राइव लें। और बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में कंपटीशन में गाड़ियां आ चुकी हैं, तो बजाज भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं, बजाज भी अपने आप को अपडेट करेगी और कुछ और नए नए फीचर आएंगे, तो आपको कुछ देर और वेट करना पड़ेगा नए फीचर वाली गाड़ी को देखने के लिए। अगर किसी को अभी इस गाड़ी को खरीदना है, इस इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदना है, तो आपको देवास नाके पे जाना पड़ेगा, देवास नाके में है बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो का शोरूम, वहां पे जाएं, इंक्वायरी करें, टेस्ट ड्राइव करें, और अगर गाड़ी पसंद आती है तो आप गाड़ी को खरीद सकते हैं। मित्रों मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई गई है आपके समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि किसी को अगर गाड़ी खरीदना है, इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना है, तो उन्हें एक अच्छी और सही जानकारी मिल सके। मित्रों हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाएगी। तो मित्रों इसी के साथ हम वीडियो करते हैं खत्म, मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।